हेलो स्टूडेंट, टुडे सब्जेक्ट मैथ्स। हमारा टॉपिक एडिशन विदाउट कैरी ओवर। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन विदाउट कैरी ओवर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, एडिशन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर। आज हम सिंगल डिजिट का पहला टॉपिक करेंगे। ओके, फर्स्ट देयर इज सम पिक्चर्स। कॉलम है यूनिट्स। क्या लिखा है यहाँ पे? यूनिट, UNITS, यूनिट्स। यूनिट्स का ही कॉलम है यहाँ पे, टेंस नहीं है। ओके, फर्स्ट काउंट 1, 2, 3, 4 यूनिट्स, राइट? इन द बॉक्स 4 यूनिट्स। नेक्स्ट पिक्चर इज देयर 1, 2, ओके, राइट? 2, 4 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स प्लस हाउ मेनी यूनिट्स आर टुगेदर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट? 6 यूनिट्स आर देयर। 4 + 2 = 6, ओके, 6 यूनिट्स आर आंसर। नेक्स्ट नंबर इज देयर 5 + 2, और यहाँ पे कॉलम क्या है? यूनिट्स, ओनली यूनिट्स आए, तो राइट करेंगे फर्स्ट यूनिट्स क्या है? 5 नंबर, ओके, राइट 5। नेक्स्ट नंबर इज देयर 2, 5 + 2, ड्रॉ द साइन, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे। 5 + 2 = 7, ओके। नेक्स्ट नंबर इज देयर 6 + 3, कॉलम इज देयर यूनिट, राइट द नंबर इन द यूनिट कॉलम। फर्स्ट नंबर इज देयर 6, सेकंड नंबर इज 3, ओके, 6 + 3, ड्रॉ द साइन। 6 + 3 = 9, 6 और 3 को ऐड किया है तो नंबर हमें 9 मिला है। नेक्स्ट नंबर इज 4 + 4, यूनिट का कॉलम है यहाँ पे, तो फर्स्ट 4 यूनिट्स, देन नेक्स्ट नंबर इज 4, दोनों नंबर सेम है, साइन ड्रॉ करेंगे। 4 + 4, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? टोटल नंबर्स 4 + 4 = 4, 4 + 4 = 8, ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। फर्स्ट पहले हमने क्या किया है? एडिशन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर, एक ही नंबर था, यहाँ पे हमें दो दो नंबर को लेके एडिशन करना है। जैसे फर्स्ट कॉलम है टेंस एंड यूनिट, यहाँ पे ओनली यूनिट का कॉलम था, यहाँ पे दो कॉलम दिए हैं टेंस एंड यूनिट्स की, ओके। टेंस का हमने पहले सीखा है ना प्लेस वैल्यू, टेंस एंड यूनिट का यहाँ पे वही रिपीट है। सो यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ बीट्स दिए हैं 1 and 2, हाउ मेनी बीट्स आर देयर? 1, 2 स्ट्रिंग ऑफ बीट्स, 2 tens, मीन्स 2 tens राइट करेंगे। और यूनिट कितने हैं? 1, 2, राइट? 2 नंबर इन द यूनिट। पीछे नंबर दिए हैं, स्ट्रिंग ऑफ बीट्स दिए हैं सिंगल, 1 ही है, ओनली 10, 10 मीन्स 1 ten, और सिंगल यूनिट दिए हैं 1, 2, 3। एडिशन का हम लोग साइन डालेंगे यहाँ पे, तो पहले फर्स्ट पिक्चर का काउंट करके आंसर लिखेंगे। 1, 2, 3, 3 स्ट्रिंग ऑफ बीट्स आर देयर, यूनिट्स 1, 2, 3, 4, 5, राइट? 5, 3 tens एंड 5 यूनिट्स आर देयर। 2 + 1, 3 एंड 2 + 3, 5, नंबर इज 35, 35 मीन्स 3 tens, 5 यूनिट्स इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंस एंड यूनिट्स। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितने यूनिट हैं, कितने टेंस हैं। टेंस है यहाँ पे 2 tens and 4 यूनिट्स, यहाँ पे क्या है? 3 tens and 2 यूनिट्स, तो टॉप नंबर क्या है? 4, ओके, टॉप में नंबर 4 है और बॉटम में नंबर 2 है। तो फर्स्ट हम लोग यूनिट काउंट करेंगे, 4 units + 2 units, टोटल 6 units, ओके। 2 + 3 tens, हाउ मेनी टेंस आर देयर? 5, 2 + 3, 5, 2 tens and 4 units एंड 3 tens and 2 units, हाउ मेनी ऑल टुगेदर? 5 tens, 6 units, मीन्स नंबर इज 56। नेक्स्ट क्वेश्चन टेंस एंड यूनिट, यहाँ पे एक और सम है, देखेंगे हम लोग टेंस का कॉलम है और यूनिट्स का कॉलम है। नंबर क्या लिखा है? 4 tens आर देयर,
एंड 7 यूनिट्स आर देयर. नीचे है 4 टेंस एंड 2 यूनिट्स. तो पहले हम लोग यूनिट्स को काउंट करेंगे. 7 यूनिट्स एंड प्लस 2 यूनिट्स. 7 प्लस 2 9. ओके 9 यूनिट्स आर देयर. 4 प्लस 4 8 टेंस. ये टेंस का कॉलम है इसलिए हम लोग इसको टेंस रीड करेंगे. 4 टेंस 7 यूनिट्स प्लस 4 टेंस 8 यूनिट. तो ऑल टुगेदर 4 प्लस 4 8, 7 प्लस 2 9. ओके टोटल आंसर इज 89. 8 टेंस 9 यूनिट्स. हमारे पास नंबर क्या है 89. ओके सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. राइट टी टी फॉर टेंस एंड यू फॉर यूनिट्स एंड कैरी आउट द एडिशन. मीन्स इसमें हमें क्या करना है, इसमें खाली हमें यही समझना है कि जैसे हमने टेंस एंड प्लेस यूनिट्स के क्वेश्चन किए थे प्लेस वैल्यू में, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि देखो यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं तो आपको सॉल्व करना है. तो आप सोचेंगे कि ये ब्लैंक क्यों छोड़ा है ना. कभी पूछते ना टीचर ये ब्लैंक क्यों है, यहाँ पे क्या लिखे. तो आपको समझना है कि हमने पहले लिखते समय टेंस लिखते थे टी ई एन एस टेंस. फर्स्ट कॉलम में टेंस राइट करते थे. ओके फिर नेक्स्ट में यूनिट का लिखते थे. तो कभी कभी कैसा है हमें शॉर्ट में लिखा हुआ भी आता है. तो बच्चे पूछते हैं क्लास में मिस यहाँ पे टी लिखा है, टी क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा. तो तभी टी का मीनिंग क्या है ये टेंस एंड यू का मीनिंग है यूनिट्स. तो हम शॉर्ट में लिखेंगे टी फॉर टेंस यू फॉर यूनिट्स. अभी समझ में आया. मीन्स हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. फुल फॉर्म में टी ई एन एस टेंस राइट करेंगे, यूनिट्स का यू एन आई टी एस यूनिट्स राइट करते हैं. और शॉर्ट में क्या करना है ओनली टी डालेंगे तो भी चलता है और यूनिट्स मीन्स यू. ओके सो नाउ वी स्टार्ट. 5 + 1 5 + 1 = 6. ओके अभी तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने बहुत सारे सम किए हैं. नेक्स्ट 1 + 2 = 3. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट देखो यहाँ पे फिर से कॉलम ब्लैंक है. नंबर दिए है 1 and 8 और 3 and 0. ऐड करना है तो फर्स्ट कॉलम इज देयर यूनिट्स राइट करेंगे यू और यहाँ पे टेंस टी फॉर टेंस यू फॉर यूनिट्स. 8 नंबर इज टॉप में 8 नंबर है और बॉटम में क्या नंबर है ये 0 है. 0 का मतलब नथिंग कुछ नहीं. आगे का जो टॉपिक आएगा उसमें 0 के बहुत सारे सम आएंगे. तो 0 मीन्स नथिंग. 0 का मतलब कुछ नहीं है इसलिए 8 नंबर इज राइट सेम एज इट इज. 8 का नंबर ऐसे ही राइट करेंगे 8 यूनिट्स. ओके 1 and 3 1 tens and 3 tens are there. Total tens are 4. Number is 48. Okay. 48 means 4 tens, 8 units. Next person 4 and 4. 4 and 4 means 44 + 04. देखो यहाँ पे इधर यूनिट में 4 दिया था बट यहाँ पे कैसा है टेंस का कॉलम. तो राइट करेंगे ऊपर टी फॉर टेंस यू फॉर यूनिट. ओके 4 + 4 = 8 और यहाँ पे कुछ नहीं है. 0 मीन्स नथिंग कुछ नहीं. 4 का 4 नंबर राइट सेम एज. समझ में आया बच्चों. यहाँ पे अगर आपको कॉलम ब्लैंक दिया गया है तो आपको समझ के खुद राइट करना है. टेंस भी लिख सकते हो बट शॉर्ट में टी भी डाल सकते हो. यूनिट भी राइट कर सकते हो और शॉर्ट में यू भी डाल सकते हो. यूनिट्स के कॉलम के नंबर को एक साथ पढ़ेंगे टेंस का कॉलम एक साथ क्लिक करेंगे तो आंसर आएगा. समझ में आया. ओके थैंक यू.